कहाँ है वो? आप लेट हो गए भाई, चला गया वो। तू तो कह रहा था उसकी फैमिली भी साथ में है। अंदर है। ये क्या था भाई? जानवर है, जानवर। अपना मेन हीरो है ना, फैमिली के साथ वंडरलैंड आया है। फटाफट आ जाओ भाई। अंतिम द फाइनल ट्रुथ क्या है इस पूरी मूवी के पीछे का असली फाइनल ट्रुथ? किस मूवी का रिमेक है ये मूवी और कौन दिखने वाला है इस बार इस मूवी में? आइए इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में जानते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी दोस्त मीनाक्षी और आपकी आज की होस्टिंग के दौरान मैं आपको लेके चलूंगी सिनेमा जगत की सैर पर, जहां हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के भाई जान सलमान खान की अपकमिंग मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अंतिम द फाइनल ट्रुथ एक हिंदी वर्जन है एक मराठी फिल्म का। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म 2018 में आई थी और फिल्म के निर्देशक और डायरेक्टर इस मूवी के बाद काफी कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ गए थे। और ये सब जानने के बाद सलमान खान यानी कि हमारे भाईजान ने खुद इस मूवी को चुना है रिमेक के लिए और इसीलिए ये मूवी उनके प्रोडक्शन हाउस यानी कि सलमान खान फिल्म्स के अंदर बनने वाली है और सलमान खान खुद इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं डायरेक्टर महेश मांजरेकर। अब इनका डुओ और सलमान खान द्वारा सेल्फ प्रोड्यूसिंग मूवी कैसी जाएगी ये चीज देखने लायक होगी। खैर, अगर भाईजान ने खुद इस मूवी को चुना है तो कुछ तो खास होगा इस मूवी के अंदर। तो दोस्तों, इस फिल्म का ओरिजिनल आया था 2018 में मराठी भाषा में और उसके बाद ये मूवी पड़ गई थी काफी कंट्रोवर्सी में, जिसके बारे में हमने आपको अपनी पिछले एक वीडियो में बताया था। अगर आपसे वो वीडियो रह गई है तो आप अभी जाकर हमारे चैनल पर उसे चेक कर सकते हैं। अब अगर बात करें इस बार बॉलीवुड में इस फिल्म के बारे में, तो दोस्तों इस बार हमको फिल्म में सलमान खान के साथ आयुष शर्मा और साथ ही साथ में साउथ इंडस्ट्री की प्रज्ञा जायसवाल दिखने वाली है। अगर बात करें इन लोगों के कैरेक्टर्स और साथ ही साथ में मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही आयुष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू इसके लिए एक पोस्टर रिलीज किया और उन्होंने पोस्टर को कैप्शन देते हुए बताया कि कैसे वो अपनी अपीयरेंस के लिए और फिल्म की शूटिंग के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही साथ में उन्होंने पोस्टर को रिलीज करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक कैप्शन डाला, मेहनत खून पसीना मांगती है लेकिन जाते जाते बहुत कुछ दे जाती है, अंतिम की शुभ शुरुआत। और इसके साथ ही उनका पोस्टर हो गया पूरे इंटरनेट भर में वायरल। अगर बात करें फिल्म के टीजर के बारे में, तो फिल्म का फर्स्ट टीजर बहुत ही ज्यादा तड़कता भड़कता आया था और सोशल मीडिया पर उसे काफी सराहना मिली, जहां एक तरफ टीजर में हमको आयुष शर्मा और सलमान खान आपस में टकराते नजर आए। वहीं अगर बात करें तो इस फिल्म में खास बात ये भी है कि हमको सलमान खान के अलावा वरुण धवन का एक छोटा सा कैमियो भी दिखने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? तो दरअसल हमको ये बात पता चली है कि मेकर्स को अपनी इस मूवी के लिए खास सॉन्ग के लिए टॉप डांसर चाहिए था, जिसके लिए सलमान खान ने खुद वरुण धवन का नाम सजेस्ट किया और इसीलिए अब इस मूवी में हमको वरुण धवन भी कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट देते दिखेंगे ही। अब अगर बात करें एक और खास बात की, तो आप ये जानकर बहुत खुश होंगे कि इस फिल्म के थ्रू फर्स्ट एंट्री करने वाले हैं अपनी जीशु सेन गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, और हम उनको इस डुओ के साथ और इस टीम के साथ देखना काफी पसंद करेंगे। अब अगर बात करें फिल्म में इनके कैरेक्टर्स के बारे में, तो आयुष शर्मा जहां हमको एक तरफ किसान के रूप में नजर आने वाले हैं, जो कि खून पसीने की कमाई और काफी मेहनती दिखते हैं, जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल के अलावा भी काफी कुछ कर बैठते हैं। अब अगर वहीं बात करें भाईजान के बारे में, तो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इस बार मूवी में हमको एक सिख पुलिस ऑफिसर के रूप में दिखने वाले हैं और वहीं उनका साथ देने मेन लीड में हमको नजर आएंगी उनकी ऑन स्क्रीन प्रेमिका प्रज्ञा जायसवाल। प्रज्ञा जायसवाल ने बताया कि सलमान खान के साथ बॉलीवुड में काम करके वो काफी लकी महसूस कर रही हैं और इस मूवी के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। हालांकि बात ये है कि एक्साइटेड तो हम भी काफी ज्यादा हैं इस मूवी के लिए, और जब से इस मूवी के पोस्टर और टीजर रिलीज होना शुरू हुए हैं पूरे इंटरनेट भर पे इस मूवी की धूम मच गई है। तो अब देखना होगा कि इस रिमेक में क्या स्पेशल ट्विस्ट और प्लॉट डाले जाएंगे फिल्म के मेकर्स द्वारा और कितना पसंद करेगी हमारी ऑडियंस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लेते हैं आपसे विदा। हम आपको जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिल्म के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और जल्दी से करें बॉलीग्राड स्टूडियोज के चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम आपसे जुड़े रहें और आप जुड़े रहें एंटरटेनमेंट जगत से।